हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वादिष्ट चूल्हा में। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो है कार के सेफ्टी टूल्स के बारे में। तो जब भी आप ट्रेवल करते हैं या कार जब आप रन करते हैं तो आपके पास कुछ सेफ्टी टूल्स होने चाहिए, तो उन्हीं के रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मेरे एक व्यूअर आपको इसकी डिटेल्स देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, देखिए आज आपके सामने हम नेक्सॉन SUV के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जो सेफ्टी फीचर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, तीन प्रोडक्ट यहाँ पर हमने रखे हुए हैं। ये एक हमारा सेफ्टी टॉर्च है फर्स्ट, ये देखिए, और फिर हमारा ये टायर पंक्चर किट है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और फिर हमारा तीसरा है हमारा वैक्यूम क्लीनर और टायर इन्फ्लेटर, है ना। जैसे हमारी गाड़ी में हवा कम हो जाती है तो हम इसमें इससे हवा भर सकते हैं अपने टायरों में, ठीक है। वन बाय वन हम बात करेंगे। पहले हम सेफ्टी टॉर्च के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके का टॉर्च है। इसमें यहाँ पर नीचे ये है मैगनेट लगा हुआ है, आप ये देखिए, जैसे ही मैं मेटल में लेके जाऊँगा ये कैसे चिपक जाएगा ऑटोमेटिक, ये देखिए, है ना। ये ऐसे करके यहाँ से मैगनेट से चिपक जा रहा है। एक बार और करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, है ना, ये बिल्कुल ये चिपक जाता है, देखिए नीचे गिरेगा नहीं क्योंकि वो उसमें चिपका हुआ है। तो ये सेफ्टी के लिए है। दूसरा, आप इसमें यहाँ पर देख पाएंगे ये ब्लेड लगा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा क्लोज करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपको ब्लेड दिखेगा, ये यहाँ पर जहाँ पर मेरा थंब है ना, ये देखिए, ये ब्लेड आपको चमक रहा है ना, ये देखिए ब्लेड चमक रहा है। तो इससे क्या होता है, कभी जैसे कुछ इमरजेंसी केस होता है तो उसमें हमारी गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन करना बंद हो जाता है और हमारी सीट बेल्ट अगर लगी हुई है तो सीट बेल्ट खुल नहीं पाती, और सीट बेल्ट इतनी अच्छे मटेरियल की बनी होती है तो वो ऐसे आसानी से कट नहीं पाती है। तो इसके लिए मेरे को टाटा मोटर्स के जो चीफ इंजीनियर हैं उन्होंने सजेस्ट किया था, टाटा मोटर्स सर्विस सेंटर के जो चीफ इंजीनियर रहते हैं या इंजीनियर हेड रहते हैं, है ना, सर्विस हेड रहते हैं, उन्होंने बताया था मुझे कि आप इस तरह का ऐसे कोई टूल अपने व्हीकल में जरूर रखिएगा। तो ऐसा फिर मैंने सर्च किया तो मुझे ये टॉर्च मिला। ये तो हो गया इसका दूसरा फंक्शन, इस टॉर्च का तीसरा फंक्शन हम ये लेके आते हैं। देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ जो आपको दिख रहा है ये पॉइंटेड हैमर बोलते हैं इसको, पॉइंटेड हैमर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई बार किसी वीडियो में कि हमारे देखिए मैं इसको ऐसे लगा, तो हमारे गाड़ी के कई बार क्या होता है, ये है हमारे गाड़ी में वही, जैसे कभी गाड़ी में कुछ एक्सीडेंट हुआ या कभी हमारे गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर गए तो उसमें आपके ग्लास वो दरवाज़ा खुल नहीं पाता है और आपके गाड़ी के जो ग्लास हैं वो नीचे नहीं हो पाते हैं, तो आप गाड़ी में फंस जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए गाड़ी में हमेशा आपको इस तरह का कुछ कुछ वेपन या कुछ ऐसा हथियार रखना चाहिए जिसकी वजह से आप आपकी गाड़ी के ग्लास को ब्रेक कर सकें और बाहर निकल सके इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है। ये तो इस टॉर्च का हो गया तीसरा फंक्शन। चौथा, ये इसमें सोलर लाइट लगी हुई है, ये देखिए, अभी जैसे ये जैसे ही सनलाइट में हम लेके आते हैं तो ये लाइट जलती है, और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही इसको लाइट नहीं मिलेगी तो ये लाइट बंद हो जाएगी। मेरे को अंधेरे में जाना पड़ेगा इसके लिए, अभी आपको थोड़ा वो अंदर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये लाइट फिर बंद, तो ये ऑटोमेटिक चार्ज भी हो जाता है जैसे ही हमारा ये सोलर लाइट में आता है तो ऑटोमेटिक चार्ज भी होना शुरू करता है। ये तो है इसका चौथा फंक्शन। इसका पांचवा आइटम क्या है, ये देखिए, इसमें यहाँ पर कंपास भी लगा हुआ है, तो कभी हम ऐसी जगह पर अगर कहीं फंस गए हैं तो वहाँ पर हमें डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर नॉर्थ है, कहाँ पर हमारा ईस्ट है, किस डायरेक्शन में कहाँ पर हमें जाना चाहिए, तो इसकी हम मदद ले सकते हैं। ये तो हो गया हमारा इसका पांचवा फंक्शन। छठा फंक्शन इस टॉर्च का, जैसे मैंने बताया कि ये एक टॉर्च है तो टॉर्च में देखिए लाइट्स रहती है ना, तो ये देखिए ये इसमें लाइट है और ये लाइट बहुत है ना, बहुत पावरफुल लाइट है दोस्तों, है ना। ये देखिए मैं इसको जलाता हूँ, यहाँ पर इसका ये स्विच दिया हुआ है, ये देखिए ये स्विच दिया हुआ है, मैं इस स्विच को प्रेस करता हूँ और देखिए आप, ये देखिए ये हमारी लाइट जलनी शुरू हो गई है, है ना। आपको दिख पा रहा होगा, अभी मेरे को अंधेरे में जाना पड़ेगा आपको ये दिखाने के लिए। चलिए गाड़ी के अंदर बैठते हैं, वहां पर थोड़ा सा अंधेरा रहेगा तो हमको सही से दिखेगा। ये देखिए अभी, हाँ यहाँ पर थोड़ा ये बेटर दिख रहा है, देखिए दोस्तों। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने इसमें बटन प्रेस किया तो इसमें ये हैजार्डियस वाली लाइट जल गई है, या फिर हमारी जो वार्निंग वाली लाइट होती है वो जल गई। तो कभी ऐसे अगर हम इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और हमें किसी के हेल्प की ज़रूरत है तो हम इस लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए और दूसरे लोगों को दूर से अट्रैक्ट करने के लिए। और इसके इसी बटन को दबाने पर यही लाइट अलग तरीके से फंक्शन करती है, अलग तरीके से काम करती है। ये देखिए अभी ये थोड़ा धीरे धीरे ब्लिंक हो रही है, अब इस लाइट को हमने दबाया तो ये ऑफ हो गया। अब मैं देखिए टॉर्च को जला, अरे सॉरी,
ये है हमारा टॉर्च का फंक्शन। ये देखिए कितना कितना तेज लाइट है इसका, अभी जबकि हम पूरा है ना बाहर का, आप आउटसाइड भी देखिए पूरा सनलाइट है, बहुत अच्छा खासा बाहर की लाइट है, आप ये देख सकते हैं। तो उसके बावजूद भी हम गाड़ी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो ये देखिए कितना तेज लाइट इसकी लग रही है। तो आप इसी से समझ सकते हैं ये बहुत बहुत दूर तक जाती है। और इसमें भी एक और फंक्शन है, ये देखिए, ये मैं बटन को प्रेस करूंगा और आप लाइट को देखिए। ये मैंने दोबारा बटन को प्रेस किया तो ये देखिए लाइट हमारी हल्की जल रही है, आपने नोटिस किया होगा। तीसरी बार हम इसको करेंगे तो ये फ्लैश लाइट करेगी, है ना, ये तो है ना अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरे लोगों को कुछ सिग्नल देने के लिए दूर से ही कि हाँ हमको हेल्प की जरूरत है। तो ऐसे करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी बार दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो ये देखिए इतने अलग 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 तरीके के फंक्शन है हमारे एक ही टॉर्च में। ये लगभग 1100 रुपीज का हमने परचेस किया था, 1 साल से ज्यादा हो गया हमें इसको यूज करते हुए, अभी तक कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा यूज हो रहा है। जहाँ पर भी कैसे कभी हमको नाइट में टॉर्च की जरूरत होती है, अभी तो हम वही इस्तेमाल कर पाते हैं, और कभी हमको ये डायरेक्शन देखने की जरूरत रहती है तो हम कंपास का यूज कर लेते हैं। अदरवाइज इसका अभी तक हमने कोई जैसे हाँ एक बार हमने इसका ये ब्लेड का यूज किया था चेक करने के लिए कि ये ब्लेड कितनी कितनी सार पे, हमने कुछ ऐसे कपड़ा वगैरह कट किया था तो ये ब्लेड बहुत ही ज्यादा सार पे दोस्तों। और इससे आपको बच्चों से बचा के रखना चाहिए, खैर हमारी बड़े लोगों की तो इसमें उंगली नहीं जाएगी, इसमें केवल जो सीट बेल्ट होती है केवल वही आप इसमें डाल सकते हैं, सो दैट और आपको जिस पुल करना है तो इस ब्लेड से कट जाएगा। लेकिन छोटे बच्चे जो है हो सकता है क्या पता उनकी उनकी फिंगर है उसमें डाल ले, वैसे जाएगा नहीं, बहुत छोटा सा स्पेस है यहाँ पर केवल सीट बेल्ट के लिए। ये देखिए ये हमारा जैसे सीट बेल्ट है, तो ऐसे करके हम इसमें यहाँ से अटकाते हैं, ऐसे करके जाएंगे और जैसे ही हम पुल करेंगे तो ये पूरी सीट बेल्ट को बहुत अच्छे से काट लेता है ना, ये बना ही इसके लिए सीट बेल्ट को काटने के लिए। तो ये है दोस्तों टॉर्च का रिव्यू, है ना। तो ये एज अ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर आपको अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि नेक्सॉन आपको पता है ये है ना सेफ्टी के मामले में वन ऑफ द बेस्ट एसयूवी है। तो जो लोग नेक्सॉन ओनर हैं वो लोग हमें पता है कि सेफ्टी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी हम लोग कार में क्या रख सकते हैं, तो इस तरह की चीजें रख सकते हैं। ये मेरे को अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाटा मोटर्स के जो सर्विस सेंटर के हेड मैकेनिक रहते हैं उन्होंने मुझे ये बताया है, सजेस्ट किया था, तो फिर मैंने ये प्रोडक्ट लिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की ओर दोस्तों। जो मैंने बताया था टायर पंचर किट, जो मैंने अभी तक एक बार इस्तेमाल किया हुआ है, ये है देखिए, ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है दोस्तों। ये हमारा टायर पंचर किट है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। अगेन गाड़ी के अंदर चलते हैं, वहां पर हम आराम से बात कर पाएंगे। ये देखिए, और हाँ बाय द वे टॉर्च को हमको ऐसी जगह रखना है, ये सेफ्टी टॉर्च हमको अपने अपने गाड़ी में ऐसी जगह रखना है जहां पर हम इमरजेंसी के सिचुएशन में आराम से इसको एक्सेस कर सकें। तो ये मैंने इसको कहाँ पर सोचा है कि तो ये देखिए यहाँ पर ये ड्राइवर साइड में जो हमारा डोर रहता है, यहाँ पर काफी अच्छा स्पेस यहाँ पर हमको मिल जाता है ना, ये टॉर्च को हम यहाँ रख लेंगे। देखिए ये आराम से ये टॉर्च यहाँ पर आ जाता है, ये देखिए अंदर अंदर चला गया है, तो हमको निकालना है तो जस्ट ऐसे आराम से हम अपने हाथ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं। अभी इसको यहीं रख देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की ओर, एक्स्ट्रा सेफ्टी के हमारे इस फीडबैक में। तो ये देखिए, ये है हमारा टायर पंचर किट, आपने देखा होगा नेक्सॉन में ट्यूबलेस टायर है, तो कभी इमरजेंसी में आप कहीं दूर ट्रिप पे गए हैं, कहीं पहाड़ों में ट्रिप पे गए हैं, वहाँ पर आसपास कोई सर्विस सेंटर नहीं है, वहाँ पर कोई लोकल सर्विस सेंटर नहीं है, तो और है ना वैसे तो खैर हमारी टायर अगर पंक्चर होता है तो भी हम बहुत सारे किलोमीटर सॉरी तो भी हम बहुत अच्छा मतलब इससे ट्रेवल कर सकते हैं, 100-200 किलोमीटर तक भी हमारे टायर की हवा नहीं निकलती या बहुत कम निकलती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको पूरा रोड पर आप चल रहे हैं, सारी सेफ्टी मेजर आपको अपने अप टू डेट रखने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना टायर पंक्चर जो है खुद खुद से इसको सही कर सकते हैं, जो टायर पंक्चर हुआ है। वो कैसे करना है, बस आपको ये टायर पंक्चर किट लेना है, ये लगभग 400 से 500 के रेट में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, अलग अलग तरह के टूल्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से आप आराम से अपना पंचर जो भी हुआ है उसमें, जो पंचर में यूजुअली कील रहती है या फिर कोई और कोई जो हार्ड वायर वगैरह है वो हमारे टायर में अंदर चले जाती है, उसकी वजह से हमारा हवा लीक होती है, तो उसको आपने निकालना है। उसको निकालने के लिए देखिए ये इसमें हैमर दिया हुआ है,
मैं अभी आपको खोल के तो नहीं दिखाता हूँ, बट जल्दी से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा हैमर दिया हुआ है ना। इसको कैसे इस्तेमाल करना है इसमें, ये देखिए आगे से इसका हेड देखिए, ये देखिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमारे टायर पे घुसा हुआ है, जैसे कील है या कुछ और, उसको पकड़ने के लिए ये बहुत बढ़िया है। इसका इसका हेड आप देखिए, है ना, ये देखिए, है ना। तो बस इसको पकड़ के आपको, उसको पकड़ के हिला हिला के आपको उसको बाहर को निकाल देना है टायर से। ठीक तो हो गया, है ना। दूसरा चीज फिर हमें क्या करना है, अगर वहां पर आपको फिर भी पता पता नहीं चल रहा है कहाँ पर से हवा निकल रही है, कैसे क्या करना है, तो आपको ये शैम्पू का घोल है, तो ये शैम्पू का घोल आप है ना इस डब्बे में बना सकते हैं, थोड़ा पानी डाल के। इसमें शैम्पू के पाउच भी दिए हुए हैं इन्होंने, और आप टायर पे शैम्पू का घोल डाल दीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर से आपके टायर की हवा निकल रही है, और आपको पता चल जाएगा कि वहां पर कुछ कोई कील वगैरह घुसी हुई है या कुछ और है प्रॉब्लम, वो आपको पता चल जाएगा। कील, बड़ी कील तो वैसे दिख जाती है, अगर कुछ ऐसा चीज है जहां पर आपको कील वगैरह नहीं दिख रही है लेकिन आपको पता करना है कि टायर की हवा कहाँ से निकल रही है, तो ये अच्छा ऑप्शन है। आपको शैम्पू खोलना है और इसके ये डब्बे की मदद से आपको जस्ट स्प्रे करना है आपके टायर पे, तो वहां पर आपको बता दे, पता चल जाएगा वहां पर से हवा निकलने लीक है ना, जैसे जहां पर से हवा लीक हो रही होगी वहां पर से ये बुलबुले बना देगा, वहां पर से पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर से हवा लीक हो रही है। जब आपको पता चल गया कि हवा कहाँ पर से लीक हो रही है, उसके बाद आपको क्या करना है, वो होल को थोड़ा सा और बड़ा करना है। तो वो होल को बड़ा करने के लिए ये देखिए यहाँ पर दो तरह के टूल दिए हुए हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ जल्दी से। एक तो ये है, दूसरा हमारा ये है। ये देखिए, ये टूल की मदद से आपको क्या करना है, वो होल को प्रॉपर आपको टायर के अंदर करके, अंदर बाहर करके इसको टायर को प्रॉपर होल की क्लीनिंग करनी है, सो दैट होल बराबर से बड़ा हो जाए, है ना, और बराबर से उसकी सफाई हो जाए, ताकि जब आप उसमें हमारा ये पंचर डालेंगे वो फिट हो जाएगा, है ना। फिर जब वो होल पूरा आपका क्लीन हो चुका है, तो आपको क्या करना है इसमें, ये पंचर के लिए ये देखिए अलग से इसको निकाल के दिखाना पड़ेगा। ये देखिए अलग से इसमें ये ना बत्तियां जैसी बनी हुई है ना, तो बस ये आपको निकाल के आपके ये वाली ये सुई दी है, ये देखिए ये टूल जो मैंने अभी पकड़ा हुआ है, इसके आगे से डालना है, इसमें पहले फंसाना है ना, और फिर आपको आपके टायर के अंदर ऐसे करके इसको लेके जाना है। इसमें थोड़ा आपको ताकत लगेगी क्योंकि इतना आसान नहीं रहता है, वो थोड़ा सा मोटा है हमारा, ये देखिए ये जो बत्तियां हैं थोड़ी सी मोटी रहती हैं, और आपको इसको इस टूल की मदद से टायर के अंदर इंसर्ट करना होता है। जब आपने इंसर्ट कर दिया, फिर आप तेजी से उसको आपको खींच के बाहर को लाना होता है, वो अपने आप टूट जाता है, और फिर आप ये टूल को बाहर निकाल सकते हैं। और जो ये बत्ती हमारी गई हुई है, ये टायर के अंदर ही फिक्स हो जाती है, अंदर रह जाती है, टायर के अंदर छूट जाती है। फिर जब टायर के अंदर छूट जाती है, और अगर बाहर थोड़ी सी बत्ती बची हुई है, तो ये ब्लेड की मदद से आप उसको काट सकते हो, ना? ये देखिए ये ब्लेड है, अभी मैं इसको निकालता नहीं हूँ। बाकी इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हमको मिलते हैं, ये देखिए ये फ्यूज हैं, जैसे कभी आपकी गाड़ी में कोई फ्यूज काम नहीं कर रहा है, तो ये फ्यूज आप बदल सकते हैं, है ना। और ये गाड़ी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके कैप दिए हुए हैं, ये यहाँ पर हमारा ये देखिए दिखाता हूँ आपको निकाल के, ये है ना, कार का एसयूवी या ट्यूबलेस टायर वॉल्व है ये, है ना। ये कभी बाई चांस कहीं पर वॉल्व खराब हो गया तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस तरीके के हैं देखिए दोस्तों, है ना। बहुत अच्छा ये रहता है, तो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हमें अपनी गाड़ी में ये जरूर रखना चाहिए। हो सकता है आपको इसका इस्तेमाल करना ना आ पाए, तो इस वीडियो की मदद से आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि गाड़ी में कैसे इस्तेमाल करना है, इन टूल की मदद से कैसे आपका आपका पंचर खुद से सही करना है। ठीक है, अभी मैं इसको बाद में रखूंगा। अब मैं आपको अपना तीसरा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना देना चाहता हूं दोस्तों, जो कि है टायर इन्फ्लेटर है। ये देखिए, पहले मैं एक बार गाड़ी स्टार्ट करके बताता हूं आपको। ये देखिए दोस्तों, मैंने गाड़ी शुरू की है, मैंने गाड़ी शुरू की, ये देखिए गाड़ी में यहाँ पर TPMS आपको दिख रहा है, तो TPMS में हमें पता चल रहा है, ये वाला हमारा TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से हमें बता रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमको चारों टायरों का, ये हमारे फ्रंट के व्हील हैं, ये हमारे बैक वाले रियर के व्हील हैं, ठीक है, तो उन चारों टायरों का हमें प्रेशर बता रहा है। तो ये 30 PSI होना चाहिए नेक्सॉन में चारों टायरों के लिए। और अभी देखिए हमारा ये वाले टायर पर 27 है, हमें पता है इसमें हवा थोड़ी कम है, तो इस पर हमें हवा भरनी है, तो या फिर
कभी कभी ये बहुत लो हो जाती है तो यहाँ पर हमको सिग्नल भी देता है, बता देता है कि हमारी हवा टायर में कम है, लो टायर प्रेशर, ऐसे करके यहाँ पर वार्निंग आ जाती है, बता देता है। तो उसमें क्या करते हैं, देखिए अब मैं अपने थर्ड प्रोडक्ट जो है उसके बारे में जानकारी दूंगा। अब मैं गाड़ी ऑफ करता हूँ, ये जस्ट आपको मैंने बताने के लिए दिखा है ना, किया था गाड़ी को ऑन। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट है। हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जल्दी से मैं आपको शॉर्ट में इसमें समझाऊंगा। तो इसमें दो फंक्शन हमारे हैं, एक तो है वैक्यूम आगे से, तो इसमें ये स्विच दिया हुआ है, इसमें जब ये स्विच को आप आगे की तरफ करेंगे, ये देखिए स्विच को हम आगे या पीछे कर सकते हैं, आगे की तरफ आप करेंगे तो ये वैक्यूम का काम करेगा, तो गाड़ी से गंदगी हमारी निकाल देगा। तो ये देखिए मैंने कुछ किया हुआ था वैक्यूम, तो थोड़ा सा आपको इसमें गंदगी दिख सकती है, यहाँ पर गंदगी आगे से है। बाद में ये निकाल के यहाँ से हम बटन दबाएंगे तो आगे से ये ओपन हो जाता है, हम गंदगी अपनी सफाई कर सकते हैं। दूसरा इसमें फंक्शन है हमारा टायर इन्फ्लेटर का, हम टायर में हवा भर सकते हैं। तो जब है ना, ये बटन को हम पीछे की तरफ को करेंगे, ये देखिए मैं करके बताता हूँ। अभी तो हमने ये ऐसे, सॉरी ये है, ये मैंने पीछे को किया, ये हमारा नॉर्मल है, ऑफ है, ये ऐसे करके हमें पीछे को करना है। जब पीछे को करेंगे तो हमारा हवा भरना शुरू हो जाएगा गाड़ी में, और उसका मीटर हमको यहाँ पर दिखता है, ये देखिए ये हमारा मीटर है, PSI में दिखाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमको नेक्सॉन के टायर में 30 PSI एयर मेंटेन करनी होती है, तो आप यहाँ से देख के भी बता सकते हैं कि हाँ हमारे टायर में 30 PSI हो गई। ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, काफ़ी हद तक ये सही हमको रिजल्ट देता है। बहुत सारे ऐसे मीटर हैं, एनालॉग मीटर रहते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, बट ये वाला जो प्रोडक्ट है अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, हमें करना क्या है हवा भरने के लिए, कुछ नहीं, ये हमारा देखिए है ना, हमारा ये सिगरेट या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, प्लग है, सिगरेट वाला प्लग है, हमको इसमें गाड़ी में अंदर लगाना है ना। और फिर ये हमारे दो ये वायर दिया हुआ है, ये देखिए ये एक तो चला जाएगा इसके पीछे, और एक हमारा लग जाएगा दूसरा, इसका दूसरा जो हेड है, इसका इस वायर का जो दूसरा हेड है, ये देखिए खोल खोल के दिखा दिया, एक हेड यहाँ चला जाएगा हमारा टायर इसके पास में, और दूसरा हमारा चला जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम ऐसे रखते हैं, एक हेड हमारा इसमें चला जाएगा और दूसरा हेड हमारा ये टायर पे लग जाएगा, ऐसे करके टायर का ये हमें ढक्कन खोलना पड़ता है, कैप खोलनी पड़ती है, उसके बाद हम लगा सकते हैं। तो यही था दोस्तों, और ये वायर हमारा काफ़ी लंबा रहता है, सो दैट अंदर तक आराम से पहुँच जाता है, वो देखिए मैंने बाहर पर रखा है, और ये देखिए मैं लेके आया हूँ, और यहाँ तक चार्जिंग पॉइंट पे हम इसको आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारा जो पीछे वाला पोर्ट है वहाँ पर भी हम डाल सकते हैं, बैक व्हील्स के लिए, रियर व्हील्स के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैंने ये आपको तीन प्रोडक्ट शेयर किए हैं जो हमारे एक्स्ट्रा सेफ्टी हमारी नेक्सॉन में हम कर सकते हैं। मेरे पास और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं वेरी क्विकली, मैंने डैश कैम भी लगाया हुआ है फ्रंट एंड रियर पे, दोनों साइड पे, रियर पे दिखाता हूँ, तो उसका रिव्यू मैं आपको किसी और दिन दूंगा दोस्तों। ये देखिए ये रियर में भी हमारा डैश कैम, ये मैंने खुद से असेंबल किया है, खुद से लगाया हुआ है, और ये कैसे है, क्या काम करता है, कैसे होता है, तो उसके बारे में हम आपको बाद में जानकारी देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये तो था रिव्यू फॉर सेफ्टी टूल्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।